Good afternoon, class. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Is my screen visible to you all? Good morning, sir. Sir. Okay. Yes, sir. So I'll just present my screen to you all. Yes, sir. And we'll continue with the lecture. So can you see this presentation here? Okay, is my screen visible to you? Yes, sir. Can you see the presentation here? This burning of bricks, can you see this title here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. So let's start. In the last class, we were discussing about the bricks, right? So we were going through the process of how to make the bricks. So the fourth process was the burning of bricks, right? So last time we have some interruption, and I couldn't finish this, burning of bricks section. So I'll complete this and then I'll move on, right? So as I told you in the last class, see, the burning of bricks is done in two ways. It's like intermittent kiln. Kiln, आपको मैंने बताया था क्या था? है ना, भट्टे जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसे kiln जिसमें burn किया जाता है brick को, ठीक है? तो ये मैंने आपको तीन टाइप की बताई थी, क्लैंप, स्कोव एंड स्कॉस्टिक, ठीक है? ये तीनों मैंने आपको बताई थी, इनका क्या यूज है और किस तरीके से ये हार्मफुल है, और बिकॉज इट इज यू नो इट इज वेरी इनएफिशियंट, और इसमें ये बहुत मोस्ट पॉल्यूटिंग भी होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था, राइट? दूसरी तरीके इंटरमीडिएट क्या था, जो आप कभी कभी बर्न करते हो, जब आपको ब्रिक्स बनाने की जरूरत होती है तब आप इसको यूज करते हो, बट इसमें आपके नेक्स्ट टाइप की थी जो कंटिन्यूस टाइप थी, ये भी हमने देखा था, ठीक है? इसमें चार तरीके की हम लोगों को डिस्कस करना, हॉफमैन, बुल्स, बुल्स ट्रेंच, वर्टिकल शाफ्ट एंड हैबला, ठीक है? ये चार तरीके की हम लोगों को पढ़नी है। तो इसमें हम लोगों ने पहला फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा था, ये हॉफमैन वाला, ठीक है? ये बहुत कॉमनली यूज होती है, ये वाला क्लेन जो है बहुत कॉमनली यूज होता है। अभी कंटिन्यूस टाइप का मतलब क्या है, ये 24x7 ये चलता रहता है आपका, ठीक है? तो 24x7 आपका मतलब आपको ये आप ब्रेक इसमें आप डालते रहते हो, ये बैच वाइज आप डालते रहते हो और वो उसको ही बर्न करता रहता है इसको ब्रिक्स को, ठीक है? सो दीज आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स, बर्निंग इज डन कंटिन्यूअसली, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका था, ठीक है? ये फिर हाइब्रिड हॉफमैन का इसमें दिखा रखा है एक सेक्शन, ये देखिएगा आप, ये पर्टिकुलरली इसका एक एक पिक्चर दिखाई गई है किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था स्टोक होल्स क्या होते हैं, जहां से आप लोग फ्यूल को इंसर्ट करते हैं, अंदर फ्यूल डालते हैं ताकि वो हीट हो जाए, उसी तरीके से फिर आती है आपकी बुल्स ट्रेंच क्लेन, ठीक है? इसमें मूवेबल टाइप और फिक्स टाइप दो टाइप के थे मैंने बताया, मूवेबल मूवेबल चिमनी, बुल्स ट्रेंच क्लेन MCBT के, ठीक है? ये बैन है इंडिया में बट अभी भी कहीं किसी पार्ट्स में यूज होता है। इसमें क्या होता था, इसका मैंने आपको डायग्राम समझाया था, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर से आप लोग जो ये ग्रीन ब्रिक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ये जो रॉ ब्रिक्स है, जो एकदम आपने क्ले से अभी बनाई है ब्रिक्स, वो यहाँ से फीड की जाती है इसमें, यहाँ पर चिमनीज होती हैं, ठीक है? यहाँ पर प्री हीटिंग जोन रहता है, फिर फायर, और ये जो स्टोक होल्स हैं इससे क्या फ्यूल डाला जाता है, यहाँ पर हीटिंग की जाती है, इसको बर्निंग किया जाता है, फिर उसको वापस से कूल किया जाता है, ठीक है? यहाँ से एयर इनटेक करते रहते हैं इसमें, तो इस तरीके से ये चिमनी काम करती है, मतलब ये वाला जो क्लेन है ये इस तरीके से काम करता है, बुल्स ट्रेंच बोलेंगे इसको, ठीक है? उसी तरीके से नेक्स्ट फिर ये जो है आबला जिगजैग क्लेन, इसमें क्या है, इसका मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये पैटर्न क्या रहता है, जिगजैग फॉर्म में रहता है, इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द लेंथ, ठीक है? इससे लेंथ बढ़ जाती है, टनल की लेंथ बढ़ जाती है, प्रॉपर हीटिंग इसमें फिर होती है, ठीक है? तो ये कुछ चार तरीके तीन तरीके की क्लेंस थी, लास्ट वन वाज योर वर्टिकल शाफ्ट ब्रेक VSB के, वर्टिकल शाफ्ट का ये देखिए कुछ इस तरीके का पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है? वर्टिकल शाफ्ट क्यों बोला जाता है, इसका इसका जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें ऊपर ऊपर से टॉप से ब्रिक्स को लोड किया जाता है और बॉटम से इसको निकाला जाता है, ठीक है? बीच में ये फायर जोन है, मतलब इसमें आपको अलग अलग लेयर्स में ब्रिक्स इसमें हीट होती है,
और जब इसको फिर नीचे से क्या होता है इसको निकाला जाता है। तो आप इसकी अगर फंक्शनिंग देखें तो क्या किस तरीके से देखिए, ये सपोर्ट बार्स हैं, ग्रीन ब्रिक्स ऊपर लिखा, मतलब फीडिंग जो है आपको टॉप से करनी है, फीडिंग आपको टॉप से करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ फायरिंग शाफ्ट जो लिखा हुआ है मतलब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो फिर आपका ब्रिक्स यहाँ पर बर्न होती हैं और ये इंसुलेशन वॉल्स लगी होती हैं इस तरीके से, बाहर से आप देखेंगे इसको। और नीचे से ये जब सारी प्रोसेस हो जाती है तो नीचे से क्या होता है, ये ट्रॉली को ऊपर भेजा जाता है और उसमें ब्रिक्स निकाल ली जाती है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस रहती है, ये काफी एफिशियंट है, हाईली एफिशियंट है, इट हैज लो इमिशंस, ठीक है। और ये बेसिकली इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम वगैरह में काफी ज्यादा यूज में आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट इज वर्टिकल, सॉरी आई मीन दिस दिस ऑल द शाफ्ट्स, these all the sorry sorry for disturbance, okay, so these all four types of clearance, इनमें क्या रहेगा, ये सारी की सारी इसकी working process रहेगी। to be very to make it very clear, I'll do one thing, I'll be sharing some of the you know videos with you जो कि animation में है, ठीक है। और I found those videos very helpful, वो सारी आपको animation के through पता चलेगी कि ये process कैसे होती है, ठीक है। मतलब चारों की चारों ब्रेक की मैं आपको गूगल क्लासरूम में एनिमेशन वीडियोस भेजूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इनकी वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। और कोई फिर उसके बाद अगर आपको कोई उसमें डाउट आता है तो देन यू कैन आस्क मी दैट डाउट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चार तरीके की क्लेन आपको देखनी है, ठीक है। तो ये चारों आप लोग इसमें हॉफमैन, बिल स्ट्रेंच, वर्टिकल शाफ्ट और हैबला, ये चारों की चारों आपको मैं लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है। So this is all for you know the manufacturing of brick. Next comes, next is very important aspect. So am I audible to you? अभी तक कोई issue तो नहीं आ रहा है video पे या आवाज पे? No sir. Okay fine. So next is your types of tests on bricks. ठीक है? अब कौन कौन से? No sir. जैसे हमने stone भी किए थे, ऐसे ही सारे test किसी का mic on है? ओके, सो जैसे हमने स्टोन पे टेस्ट किए थे वैसे ही सारे टेस्ट किस पे होते हैं, ब्रिक्स पे भी होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कई सारे टेस्ट के नाम होंगे जो आपको कॉमन लगेंगे जो स्टोन में हुआ करते थे, ठीक है। सो फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन ब्रिक्स टू डिटरमाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो कौन कौन से हैं देखिए, पहले अब्सॉर्प्शन टेस्ट है, ठीक है। अब्सॉर्प्शन, अगेन अब्सॉर्प्शन है तो मतलब वाटर कितना अब्सॉर्ब कर रहा है उसके मतलब है इसका। फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ जो उसमें भी था स्टोन में कि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में देखते हैं, मैंने बताया था कंप्रेस करके देखते हैं, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट, अगेन हार्डनेस का भी इसमें टेस्ट था। शेप एंड साइज आप चेक करते हो, कलर का टेस्ट करते हो ब्रिक की, साउंड है कि नहीं है ये टेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक चेक करते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। कोई उसमें एफ्लोरेसेंस तो नहीं है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये जो भी 7-8 टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हम लोग ब्रिक में परफॉर्म करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद वन ऑफ We'll start with the first one, that is the absorption test. ठीक है, absorption का मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर रखा भी है, बाल्टी रखी है, बकेट पे क्या पानी है उसमें आपको ब्रेक को सोक करना है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है absorption test की, इट इज कंडक्टेड ऑन ब्रेक टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अब्सॉर्ब बाई ब्रेक अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। आप बेसिकली इसमें क्या करते हो, आपको पहले ड्राई ब्रेक का वेट लेना है, ठीक है। फिर उसको आपको 24 घंटे के लिए पानी में छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसको उसके बाद आप 24 घंटे बाद उस ब्रेक को बाहर निकालो, वेट ब्रेक को, और उसका वेट नाप लो, ठीक है। तो आपको फिर उसके वेट में जो डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स वो वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने पानी कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब कर लिया होगा ब्रेक ने, है ना। जब पानी अब्सॉर्ब कर लिया होगा तो आपको उसका परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की ब्रेक कौन सी होंगी, द गुड क्वालिटी ब्रेक, ब्रेक द अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द वेट ऑफ द ड्राई ब्रेक। मतलब वो ब्रेक आपकी अच्छी क्वालिटी की होंगी जिसमें 20% से लेस अब्सॉर्प्शन हुआ होगा, ठीक है। अगर 20% से ज्यादा उसने पानी अब्सॉर्ब कर लिया मतलब वो अच्छी ब्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये एक अब्सॉर्प्शन टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट है। नेक्स्ट कम्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया यूटीएम होती है, देखिए ये सीटीएम भी बोल सकते हैं, यूटीएम में भी हो जाता है। सीटीएम इज कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब आप इसमें देखिए कंप्रेशन, ये ब्रिक रखी हुई है आपकी, आपको विजिबल होगा, दिस इज योर सैंपल एस, यहाँ पर से कंप्रेशन डाला जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है प्लेट और ये नीचे की तरफ, इसके बाद कंप्रेशन आता है, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि कितनी स्ट्रेंथ पे दिस ब्रेक विल ब्रेक, ठीक है। सो हाउ विल परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेस्ट, इसमें क्या होगा, आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है, राइट। सो आप क्या करोगे, इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखोगे, सैंपल को, ब्रेक दिख रही है आपको, सैंपल को आपने कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा, ओके।
नेक्स्ट आप क्या करोगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या करोगे लोड अप्लाई करना शुरू करोगे ठीक है. नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फेलियर लोड. फेलियर लोड का मतलब क्या होता है कि जिसमें वो ब्रेक टूट जाएगी उसमें क्रैक्स आ जाएंगे ठीक है, वही उसकी क्या होगी क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू होगी जितने लोड पे वो टूट जाएगा. तो देखिए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक इज 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. सो दिस इज अगेन ये स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है. तो जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है 3.5 न्यूटन है. तो अगर इससे भी कम कोई ब्रेक इससे कम लोड में टूट जाती है तो इट इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज है ना. तो मैंने आपको बताया था क्लास ए टाइप ब्रेक, क्लास बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड टाइप, थर्ड क्लास, ये सारी ब्रिक्स मैंने बताई थी ना, उसमें आपने देखा था कि कितनी स्ट्रेंथ होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ. तो ये बोल रहा है कि मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए. इससे कम अगर किसी ब्रिक की स्ट्रेंथ है तो वो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज नहीं की जा सकती ठीक है. सो दिस इज योर क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट. इजी है ये भी हमने किया हुआ है, मतलब स्टोन पे भी देखा था ठीक है. अब नेक्स्ट कम्स हार्डनेस टेस्ट. हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस वही वाला टेस्ट है जो स्क्रैचेस करके स्क्रैचिंग करके देखते हैं. हमने मोर्स में भी देखा था, स्टोन वाले में मोर्स टेस्ट किया था हमने, जिसमें आप नाइफ से उसको स्क्रैच कर रहे थे ठीक है. उसी तरीके से सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी. फॉर दिस टेस्ट अ शार्प टूल और फिंगर नेल इज यूज टू मेक स्क्रैच ऑन ब्रिक्स ठीक है. इफ देयर इज नो स्क्रैच इंप्रेशन, अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो ब्रिक अच्छी है, अगर उसमें स्क्रैच के मार्क्स आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी ब्रिक नहीं है ठीक है. इससे हार्डनेस आप टेस्ट कर सकते हो, एक तरीका ये है. नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ टेस्ट, साइज टेस्ट ऑन ब्रिक. शेप एंड साइज टेस्ट मैंने आपको पहले बताया, जो मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो है उनका साइज कितना है, 19 × 19 × 9 सेंटीमीटर है ना. तो 19 क्या है, उसकी लेंथ है, विड्थ है 9 एंड उसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है. तो इसको आपको टेस्ट करना पड़ता है ठीक है. आप उसमें देखोगे कि उसमें शार्प एजेस होने चाहिए और वो प्रॉपरली रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए, ये शेप एंड साइज का टेस्ट होता है. फिर आप डायमेंशन चेक करोगे, पर्टिकुलरली ये डायमेंशन आनी चाहिए उसकी ठीक है. टू परफॉर्म दिस टेस्ट सेलेक्ट 20 ब्रिक्स रैंडमली फ्रॉम द ब्रिक ग्रुप और उसको आपको क्या करना है, एंड देन हाइट एंड कंपेयर, उसकी हाइट वगैरह ये जो है ब्रेथ इन सबको आपको कंपेयर करना है. जस्ट अ मिनट, दिख रही है अभी स्क्रीन आपको, कोई इशू तो नहीं है? एक्चुअली जब भी मैं स्क्रीन स्विच करता हूँ तो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है. अभी दिख रहा है आप लोगों को प्रेजेंटेशन? यस सर. सो आपको क्या करना है, देखिए अब आप हर एक ब्रिक को तो देखिए कई लाखों की क्वांटिटी में, हजारों की क्वांटिटी में ब्रिक्स होंगी ठीक है. आप सारी ब्रिक्स को चेक कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो सिलेक्शन कैसे करते हो, आप कोई भी रैंडमली 20 ब्रिक उठा लो और उनका साइज लेंथ कंपेयर कर लो है ना, ये लेंथ ब्रेथ हाइट कंपेयर कर लो उनकी, और अगर वो सारी की सारी ठीक आती है तो क्या है, दे आर इन गुड शेप एंड साइज एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन. तो ये बहुत ईजी टेस्ट है ठीक है. आपको सैंपल में से 20 ब्रिक्स उठानी है पूरी पूरे स्टैक में से ठीक है. तो उसका शेप साइज आप चेक करोगे, ये डायमेंशन आनी चाहिए, अगर ये आती है मतलब ठीक है. ये भी ईजी टेस्ट है. नाउ नेक्स्ट इज कलर, कलर टेस्ट ऑफ ब्रिक. अ गुड ब्रिक शुड पजेस ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी. तो बेसिकली आपने देखा होगा उसमें रेडिश कलर रहता है ब्रिक का है ना, तो ये सारा का सारा यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा बर्न हो गई हो ब्रिक और कहीं पर कम हुई हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए. तो कलर टेस्टिंग बहुत जरूरी है, कलर से आपको पता चल जाता है कि प्रॉपरली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत अच्छी तरीके से हुई है ठीक है. नेक्स्ट है साउंडनेस. साउंडनेस किस लिए होती थी मैंने बताया था आप लोगों को, कोई बताएगा साउंडनेस किस लिए करते थे? देखिए एक था हार्डनेस और दूसरी चीज थी टफनेस, याद है आपको मैंने डिफरेंस बताया था आप लोगों को है ना. सो टफनेस के लिए हम लोग करते हैं साउंडनेस टेस्ट ठीक है. अब ये कैसे किया जाता है, जैसे स्टोन में किया जाता था, इसमें भी सडन इम्पैक्ट देते हैं ठीक है. साउंडनेस टेस्ट ऑफ ब्रेक शोज द नेचर ऑफ ब्रेक अगेंस्ट सडन इम्पैक्ट. अब इम्पैक्ट कैसे होगा, ऊपर से कोई चीज आप गिराओगे उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा ठीक है. दैट इज योर साउंडनेस टेस्ट. अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, टू ब्रिक्स आर चोजन रैंडमली एंड स्टक विद वन अनदर ठीक है. इम्पैक्ट करोगे आप, क्या करोगे इनको आपस में टकराओगे. तो दे शुड प्रोवाइड, दे शुड बी क्लियर बेल रिंगिंग साउंड एंड ब्रेक शुड नॉट ब्रेक, देन इट इज सेड टू बी अ गुड ब्रेक. तो आपको क्या करना है, दो ब्रेक को लेना, आप आपस में उनको स्ट्रक करो, और अगर उसमें साफ डैम्प आवाज नहीं आती है तो मतलब वो अच्छी ब्रेक्स है, तो उसकी साउंडनेस ठीक है ठीक है. साउंडनेस ऑफ द ब्रेक टेस्ट इस तरीके से होगा. नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक्स. स्ट्रक्चर अगेन फिर वही चीज आएगी, टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक, पिक वन ब्रेक रैंडमली फ्रॉम द ग्रुप एंड ब्रेक इट. उसको तोड़ो आप और अंदर से देखो इन द इनर पोर्शन ऑफ द ब्रेक फ्री फ्रॉम लम्स एंड होमोजीनियस, मतलब उसमें जो है कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके का वॉइड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, और वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक ही पूरे पूरे का पूरा क्ले का वो बना होना चाहिए ठीक है. होमोजीनियस सेम टाइप के मटेरियल का बना होना चाहिए.
तो ये स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग, उसको ब्रिक को तोड़ के आप देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों ने कई बार साइट में अपने घरों में भी कहीं देखा होगा, ये फ्लोरेसेंस टेस्ट ऑन ब्रिक। ठीक है, फ्लोरेसेंस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ब्रिक, ये देखिए नीचे फोटो भी है इसकी, ये देखिए कुछ ब्रिक में ये व्हाइट तरीके का जो केमिकल है ये दिखने लगता है कुछ टाइम पे, है ना। तो ये किस वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो कि सरफेस पे आ जाते हैं कुछ टाइम बाद, जैसे वो डैम्प होता है, गीला होता है, उसके कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि सॉल्ट्स आने लग गए ऊपर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, ब्रिक में इफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर देयर देन इट विल कॉज एफ्लोरेसेंस ऑन ब्रिक सरफेस। तो अगर वहां पर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं तो ऑफकोर्स वो आपको ब्रिक की सरफेस पे दिखेंगे। ठीक है, नाउ टू नो द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन अ ब्रिक, प्लेस इट इन अ वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स एंड ड्राई इट इन शेड। उसको आपको 24 आवर्स तक पानी में रखना है, फिर उसको वापस से ड्राई करना है। ठीक है, आफ्टर ड्राइंग ऑब्जर्व द ब्रिक सरफेस थोरोली, इफ देयर इज एनी व्हाइट और ग्रे कलर डिपॉजिट देन इट कंटेंट शुड हैव सॉल्ट्स एंड नॉट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर उसमें कुछ भी ग्रे कलर या व्हाइटिश कलर आपको पाउडर फॉर्म में दिखने लगता है तो दैट मीन्स उसमें क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उसमें एफ्लोरेसेंस हो रहा है एंड इट इज नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑल्दो कभी कभी ये होता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद आपको एफ्लोरेसेंस दिखता है, तो उसके भी कई सॉल्यूशन होते हैं कि आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग प्रोसेसेस होती है, बट आपको स्टार्टिंग में ही ये टेस्ट कर लेना चाहिए कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन साइट में, इफ यू आर यूजिंग द ब्रिक्स देन यू शुड गो फॉर दिस टेस्ट कि इसमें कहीं एफ्लोरेसेंस तो नहीं आ रहा है। 24 घंटे के लिए पानी में रखो, ड्राई करो, देखो कि उसमें कोई व्हाइट या ग्रे कलर का डिपॉजिट तो नहीं हो रहा। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट दिस वे आल्सो। तो दीज वर ऑल द टेस्ट, इनके भी मैं आपको वीडियो लिंक्स भेजूंगा जिसमें कि ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करने हैं वो आपको प्रॉपरली दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। देखिए कुछ अलग शेप की होती है, मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर शेप में ब्रिक्स आती है, बट कुछ स्पेशल ब्रिक्स होती हैं जो अलग शेप में भी आती है, सॉरी अलग साइजेस में भी आती हैं और अलग शेप में भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बर्न्ड क्ले, हैवी ड्यूटी क्ले, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। ठीक है, परफोरेटेड ब्रिक्स, परफोरेटेड मतलब जिसमें वॉइड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था आजकल कई जगह पे फ्लोरिंग वगैरह में इसको यूज करते हैं ताकि क्या है, वाटर इसके अंदर पास कर जाए, है ना, और वो ग्राउंड में चला जाए पानी। तो इस तरीके की होती है बर्न क्ले हॉलो, सैंड लाइम ब्रिक्स, सीवर ब्रिक्स, ये वाटर एंड एसिड से वो करता है। ठीक है, ये देखिए एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स। ठीक है, ये इन जगहों पे ऐसी फैक्ट्रीज भी यूज होता है जहाँ पे एसिड का अटैक होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाई जाती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। So the main thing is you should know about these bricks, कि ऐसी bricks exist करती हैं और आपको कहीं पर अगर साइट पे यूज करना है तो किस टाइप की ब्रिक किस सिचुएशन में आपको यूज करनी है, यू शुड नो दैट। ठीक है, सो दिस इज योर स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज योर रिफैक्टरी ब्रिक्स। अब रिफैक्टरी क्या होते हैं, रिफैक्टरी वो भी वो सारे कंस्ट्रक्शन हैं जिसमें हीट रेजिस्टिंग कंटेनर्स होंगे। ठीक है, जहाँ पर हीट का बहुत ज्यादा रोल होता है, जैसे किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो जो भी मटेरियल यूज होगा वो रिफैक्ट्रीज करेंगे। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, थर्मल इंसुलेशन एंड कंडक्शन, ताकि थर्मल इंसुलेटेड रहे और कंडक्शन उसका बना रहे। ठीक है, हीट कंडक्शन। नाउ अ गुड रिफैक्ट्री ब्रिक शुड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ऑफकोर्स ये जो हमने अभी क्लिन्स वगैरह पढ़े थे और कई सारे ऐसे बॉयलर्स होते हैं और कई जगह पे ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, उनके लिए हम लोगों को रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनानी पड़ती है। तो उसके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इट शुड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, और वो सडन हीटिंग एंड कूलिंग को विदस्टैंड कर लेना चाहिए। मतलब थर्मल शॉक इज कि आप जब ऑपरेशन में हो तो उस समय बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और जैसे आपने उसको शट डाउन कर दिया ऑपरेशन को तो वो कूल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हीटिंग और कूलिंग को अल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग को विदस्टैंड कर सके। ठीक है, और एब्रेशन एंड रफ्यूजेस होना चाहिए उसका, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होना चाहिए क्योंकि हीट के वजह से उसमें कई जॉइंट्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। जब कोल्ड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, हीट होगा तो एक्सपेंशन आएगा, तो ये सारी प्रॉपर्टी ये पजेस करता है। ठीक है, कोरोसिव एक्शंस होने चाहिए, जो भी गैसेज हैं वो करोड ना करें उसकी वजह से। ठीक है, फिर इम्परवियबल टू लिक्विड एंड गैसेज, लिक्विड वगैरह इससे पास नहीं होनी चाहिए। हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होनी चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी वायर्स वगैरह वहाँ पे यूज हो रही है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना करे। ठीक है, तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। कुछ टाइप्स ऑफ रिफैक्ट्री ब्रिक्स, देखिए रिफैक्ट्री में जो यूज करनी है ब्रिक्स कुछ किस टाइप की हो सकती है। एसिड ब्रिक्स हैं, ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है ना, फायर ब्रिक्स, सिलिका ब्रिक्स, ये सारी यूज होती हैं ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे एसिड वगैरह
तो हैं बेसिक ब्रिक्स में आ गया मैग्नेसाइट डोलोमाइट बॉक्साइट ब्रिक्स, ठीक है, ये अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी अलग कंपोनेंट्स हैं ब्रिक्स के, ये अलग अलग मटेरियल से ब्रिक्स बनी हुई, ठीक है। फिर न्यूट्रल ब्रिक्स कहलाती हैं, क्रोम ब्रिक्स, क्रोम मैग्नेटाइज, मैग्नेसाइट एंड स्पिनल, ठीक है, एंड फोर स्टेराइड ब्रिक्स, ये सारी की सारी किस्म आएंगी न्यूट्रल ब्रिक्स में। तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। देखिए इसमें बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप आता नहीं है, बट इट इज जस्ट फॉर योर information and knowledge that you should know that these types of bricks exist, right? और इनका कई जगह पे use होता है, ठीक है? Refractory bricks. So I think this is all for your bricks, है ना? इसमें तीन section थे. So we have already done stone, we have done bricks, ठीक है? कुछ content में आप लोगों को और share करूँगा इसमें. And the third one was your cement concrete blocks, ठीक है? So this unit has this last topic which is cement concrete blocks, right? तो सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स क्या है, आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, अगर आप देखते हैं आज का वॉल्स अगर देख रहे हो आजकल ना, तो आपने देखा होगा कि ब्रिक लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट कंक्रीट के ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, है ना? देखा है किसी ने, देखा है ये चीज? यस सर। ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं, मतलब वो उनका डायमेंशन बड़ा है, उनका साइज बड़ा है, ब्रिक से बड़े हैं वो, है ना? तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, सीमेंट के कॉन्क्रीट ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं आजकल, ब्रिक की जगह पे यूज हो रहे हैं बेसिकली। ये भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल आजकल यूज होने लगा है, ठीक है? Nowadays widely used for construction because of their large size. एक तो साइज बड़ा होता है इनका, यूनिफॉर्मिटी इन डिजाइन। देखिए आप जब आप ब्रिक बनाते हैं ना, तो उसको आपको मोल्ड करना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर उसको भट्टी में डालना है, हो सकता है कई बार उसका साइज अच्छा प्रॉपर ना आ पाए, बट कॉन्क्रीट में क्या है, आपके पास मोल्ड रहते हैं और कॉन्क्रीट बहुत अच्छे से आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है? तो यूनिफॉर्मिटी रहती है इसमें कॉन्क्रीट, ठीक है? उसी तरीके से इट इज इजी टू हैंडल एंड प्लेस करना भी इजी है इसको, ठीक है? और इसका अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी रहता है, ठीक है? तो ये इसके कुछ कंक्रीट ब्लॉक्स के एडवांटेजेस हैं। और ये किस टाइप में आती है, एक तो रेगुलर टाइप में आती है और एक लाइट वेट में आती है, दो टाइप की आपकी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स है, ठीक है? तो LWC भी यही है, लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। ये देखिए यहाँ पर आपको डिजाइन भी दिख रहा है, इसकी फोटो भी दिख रही है। तो आपने देखा होगा इनका ये डायमेंशन ज्यादा रहता है कंपेयर टू ब्रिक, ये लेंथ होगी इसकी, ये हाइट है, और ये वाला पोर्शन दिस इज योर ब्रेथ, ठीक है? ये डायमेंशन ज्यादा रहते हैं। और आप इनका देख लो कॉमन साइज क्या है, 39x19x30। तो 39 तो सब जगह लेंथ कॉमन है, विड्थ भी कॉमन है, बट हाइट का डिफरेंस है। देखिए कहीं पर 30 सेंटीमीटर वाली भी है, 20 वाली भी है, 10 भी है, तो ये इन साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है? और शेप की अगर मैं बात करूं तो आपको ये सॉलिड भी मिल जाती है, जो पूरे का पूरा सॉलिड रहेगा, हॉलो भी मिल जाती है। हॉलो का क्या काम है, थर्मल इंसुलेशन का बहुत अच्छा काम करती है, हीट वगैरह को पास नहीं होने देती, ठीक है? और फेस ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं जो हॉलो भी है और फेसेस इसके अलग तरीके से इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके की ये ब्लॉक्स आप लोगों को अवेलेबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजी है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, देखिए जैसे कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उसको वैसे ही बनाया गया, ठीक है? तो पहले तो आपको फर्स्ट यू विल हैव to select the proportion of ingredients, selection and proportion of ingredients ka kya kya isme content rehne wala hai, theek hai? The main criteria for the selection of ingredient are the desired strength of the block. To sabse pehla criteria kya hai, aapko ye pata hona chahiye ki aapko kitni strength ka block chahiye, theek hai? The greater the proportion of coarse aggregate, the greater will be the strength of the quantity of cement used. To coarse aggregate jitna zyada hoga utna kya hoga, uski strength zyada hogi, theek hai? Quantity of cement used, the greater will be the strength of the quantity of cement. तो उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, सीमेंट भी उस प्रोपोर्शन में आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। अब कैसे मिक्स करना है, इनको ब्लेंड करना है, एग्रीगेट्स को, सीमेंट को, वाटर को। एग्रीगेट्स मतलब कि फाइन और फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट दोनों हुए हैं इसका मतलब, ठीक है? तो वो एग्रीगेट्स इसको आपने मिक्स करना है, सीमेंट एंड वाटर शुड बी डन वेरी केयरफुली। द मिक्सिंग शुड प्रिफरेबली टेक प्लेस इन अ मैकेनिकल मिक्सचर। एक होता है हैंड मिक्सिंग, ठीक है, आपने देखा होगा मजदूर लगे रहते हैं और उसमें मिक्स बनाने का काम करते हैं। एक होता है आपकी मशीन आती है जो रोटेट करते रहती है ना, उसमें आपको मिक्स में आपको उसका कॉन्क्रीट का मिक्स बनाना होता है। और अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो जो मसाला तैयार करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। देखो फॉर हैंड मिक्सिंग एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द सीमेंट एंड एग्रीगेट्स आर फर्स्ट मिक्स थॉरली इन ड्राई स्टेट एंड वाटर इज देन एडेड ग्रेजुअली। तो हैंड मिक्सिंग अगर कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली वाटर को ऐड करना है, ठीक है? इस तरीके से मिक्सिंग करनी है इसके मटीरियल। नेक्स्ट इज योर प्लेसिंग एंड वाइब्रेशन। अब उसको प्लेस कैसे करना है, द मिक्स्ड कंक्रीट मटेरियल इज फेड इनटू द मोल्ड बॉक्स। अब उस क्यूबिकल साइज का या रेक्टेंगुलर साइज का मोल्ड होगा, ठीक है, उसके अंदर इसमें आपको ये कंटेंट इंग्रेडिएंट्स को भरना है। तो ये मोल्ड क्या करेगा, इसका इसका शेप ले लेगा मोल्ड का, ठीक है?
अप टू द टॉप लेवल एंड इट इज इंश्योर्ड दैट द बॉक्स इज इवनली फिल्ड, पूरा का पूरा फिल होना चाहिए. द वाइब्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज डन सो दैट इट इज यूनिफॉर्मली सेटल्ड. अब इसमें वाइब्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन नहीं करोगे तो इसमें वॉइड्स रह जाएंगे बीच में, ठीक है, एयर के गैप्स रह जाएंगे जिस जो कि उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे. तो आपको क्या करना है, इसमें वाइब्रेटर भी यूज करना होता है, कुछ निडल टाइप वाइब्रेटर आते हैं, आप उसको इसमें डालो और इसको मूव करो, या फिर टेबल वाइब्रेटर आता है, आप इस मोल्ड को टेबल पर रख दो और वो टेबल शेक करते रहती है, और जैसे ये टेबल शेक करेगी ये सारा का सारा अपने आप कॉम्पैक्ट कंप्रेस होने लगेगा और एयर वॉइड्स ऐसे गायब हो जाएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से इसको प्लेसिंग करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं मोल्ड बॉक्स की, ठीक है. लास्ट इज क्योरिंग. अब आपको पता है कॉन्क्रीट है तो क्योरिंग करनी जरूरी है. क्योरिंग क्या होता है, पानी डालना. आपने देखा होगा जब आप घर बनाते हो तो भी आप लोग क्या करते हो उसमें, ये आप लोग क्योरिंग करते हो उसकी, है ना. तो कॉन्क्रीट का कहीं पर भी काम होता है, स्लैब डलता है आपके घर में या बीम्स डलते हैं, आप उसमें क्या करते हो, उसमें वाटर डालते हो. आपने देखा होगा अपने फादर को और अपने घर में कैसे यूज करते हैं ना, पाइप से पानी डालते रहते हैं, या फिर वो हम लोग कई बार जो बोरियां होती हैं कट्टे होते हैं उनको भी वेट करके लगा लेते हैं कहीं पे, है ना. तो एक क्योरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक इज वॉटर्ड आफ्टर अबाउट वन डे ऑफ कास्टिंग एंड इट इज कंटिन्यूड फॉर मिनिमम ऑफ 7 days, ठीक है. 7 दिन के लिए करना पड़ता है, लेकिन प्रिफरेबल कितना है, 28 days. ये माना जाता है कि 28 days में कॉन्क्रीट अपनी 99% स्ट्रेंथ जो है अचीव कर लेता है, ठीक है. तो वैसे प्रिफरेबली 28 days होता है, लेकिन मिनिमम 7 days तो आपको रखना चाहिए वॉटर, ठीक है. द लॉन्गर द क्योरिंग पीरियड द बेटर विल बी द ब्लॉक. मैंने बताया आपको 28 days तक अगर आप पानी में क्योरिंग करते हो तो कॉन्क्रीट अपनी 99% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, ठीक है. 7 days में ये सिर्फ अपनी 66% अचीव कर पाता है, 66-68% अचीव कर पाता है, ठीक है. स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए आपको कितने दिन तक क्योरिंग करनी चाहिए, 28 days तक. ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है. देखिए क्या क्या फैक्टर्स इसमें कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे. देखिए एक तो एग्रीगेट शुड बी प्रॉपरली ग्रेडेड. प्रॉपरली ग्रेडेड का मतलब क्या है कि 60% फाइन है और 40% कोर्स है. कोर्स मतलब जिनका साइज बड़ा है, देखिए 6-12 mm है कंकर जैसे जो होंगे वो 40% होना चाहिए. फाइन मतलब जो सैंड है रेत है हमारी वो 60% होना चाहिए. इस तरीके का कंपोजिशन है इसका, ठीक है. फाइननेस मॉडुलस क्या है, 2.9 से 3.6, ठीक है. तो उसका फाइननेस मॉडुलस जो निकल के आया है दैट इज इस रेंज के बीच में होना चाहिए. और जो कंक्रीट का मिक्स है दैट इज योर 1:6. 1:6 का क्या मतलब है कि अगर आप एक कंक्रीट वो कर रहे हैं, अगर आप एक सीमेंट डाल रहे हैं तो 6 उसमें एग्रीगेट होनी चाहिए, ठीक है. इस तरीके से रेशियो उसका डिपेंड किया गया. इट शुड बी कैप्ट इन अनडिस्टर्ब प्लेटफॉर्म फॉर 24 hours, ठीक है. अनडिस्टर्ब रहना चाहिए बिकॉज उसका शेप में फर्क पड़ सकता है. इट शुड बी क्योर्ड अंडर शेड फॉर मिनिमम 24 hours. ये भी मैंने आपको बताया क्योरिंग करनी जरूरी है. मिनिमम 24 hours लिखा है बट ऑफकोर्स उसको ज्यादा टाइम तक रखना पड़ता है. देन इमर्ज इन वाटर फॉर 7 days. पानी में उसको 7 दिन तक का रखना है. ड्राइड फॉर अबाउट 1 month आफ्टर क्योरिंग. 1 month तक का आपको इसको क्योर करना है. और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो देखिए कितना आ रहा है, 30 kg per square meter. मतलब कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी अचीव हो रही है वो आप कह रही है 30 kg. मतलब ये लोड है, kg इज लोड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है. तो आप इसका डायमेंशन के हिसाब से देखते हो, वो स्क्वायर मीटर मतलब कि जो उसका टॉप सरफेस है उसका एरिया है, इसका एरिया, ठीक है. तो इतना kg मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो अचीव होनी चाहिए, 30 kg per meter square, ठीक है. और अगर आप इसको इसको स्ट्रेंथ के फॉर्म में करना चाहते हो किलो न्यूटन में, तो आपको पता होगा केजी को किलो न्यूटन में कैसे चेंज कर सकते हैं, मास को फोर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, या फोर्स को मास में कैसे चेंज करते हैं. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम इनटू ए, याद है. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो मास इज इन केजी. यस सर. हां केजी है. और एक्सीलरेशन या फिर ग्रेविटी जी आप ले सकते हो, ठीक है. 9.81 जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, 9.81. तो आप बेसिकली इसको 9.81 से या फिर 30 को 9.81 ले लो या 10 ले लो, 10 भी ले लेते हैं हम लोग, तो ये उतना न्यूटन में चेंज हो जाएगा. तो अभी केजी में दिया आपको, न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो दैट इज इजीली डन, ठीक है. तो ये सारा आपकी इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है. तो इसमें और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी कोई भी कंटेंट होगा तो आई विल शेयर इट विद यू, राइट. ओके.